आज की वीडियो में आपको आर्यन खान के अरेस्ट होने के बाद सुहाना खान का रिएक्शन बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर्यन खान के अरेस्ट होने की चर्चा हर जगह है। आर्यन खान के कोर्ट हियरिंग के दौरान गौरी खान भी वहीं मौजूद थी और वो अपने बेटे के लिए काफी परेशान भी दिख रही थी। ऑल्दो गौरी खान मीडिया के सामने तो नहीं आई, मगर उन्होंने ब्लैक गॉगल्स पहने हुए थे और सारा टाइम वो वहीं थी शाहरुख खान के साथ। शाहरुख खान और गौरी खान ने बहुत जोर लगाया कि किसी तरह आर्यन को बेल मिल जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। अब्राहम को भी सलमान के घर भेज दिया और बची अब सुहाना खान। सुहाना खान और आर्यन खान के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है और दोनों ही आगे चल के बॉलीवुड इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का सपना रखते थे। सुहाना खान अपने भाई को लेके काफी ज्यादा परेशान है और आर्यन के अरेस्ट हो जाने पर काफी शॉक भी है। सुहाना कभी ये सोच भी नहीं सकती थी क्या ऐसा भी कभी हो सकता है। शाहरुख खान और गौरी खान को टेंशन में देखकर वो और भी टेंशन में आ गई है। अब्राहम को घर से दूर सलमान खान के घर दिनों के लिए भेज दिया गया है ताकि वो इस सब की वजह से परेशान ना हो, वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो अभी छोटे हैं। इसलिए अब्राहम को इन सब चीजों से दूर रखा जा रहा है। वहीं सुहाना खान ग्रोन अप है, वो सारी चीजों को समझ सकती हैं, मगर उनके लिए भी काफी शॉकिंग और डरा देने वाली बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुहाना अपने रूम में ही हर वक्त बंद है और वो बाहर आना नहीं चाहती और वो अपना फोन ऑफ कर चुकी है ताकि किसी से बात ना करना पड़े, क्योंकि वो इस समय किसी से बात नहीं करना चाहती है। इस वक्त सुहाना को सिर्फ मेंटली पीस जरूरत है और वो ये टाइम अपनी फैमिली को देना चाहती हैं सिर्फ, और वो उनके साथ रहकर इस मुश्किल समय को सॉल्व करना चाहती हैं ताकि वो सब एक साथ रहें और कोई भी चीज परेशानी ना हो। आपको सुहाना खान का रिएक्शन के बारे में जानकर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई तो आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल बटन प्रेस कर दीजिए।